हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा कि मेरा आपके साथ प्रॉमिस था कि आई विल बी कमिंग विद अ लेक्चर फॉर यू। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम VLW के लिए एक लेक्चर सीरीज लेके आएंगे, तो आज हम लोग उसका फर्स्ट लेक्चर आपके लिए लेके आ रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपकी कमेंट्स, आपके प्यार, आपका आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए और वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, वो हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और आगे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे बाकी के एस्पिरेंट्स को भी जरूर फायदा होगा। तो यही हम चाहते हैं, यही हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचे, आपके लिए बेहतरीन एजुकेशन लेके आए, बेहतरीन ट्रिक्स लेके आए, सो डैट कि आप आने वाले एग्जाम को क्रैक करें और अपने लिए एक नौकरी पाएं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, और आज उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिए और हम लोग छोटे छोटे लेक्चर्स को लेके चलेंगे एंड हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर्स फिनिश होने के बाद कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9419198743। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9419198743। और जिसको इसके रिलेटेड असाइनमेंट्स चाहिए, दोज असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू। और आपके लिए हम लोग और बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, आपके लिए फुल एंड टेस्ट लेके आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हम लोग आपको कोशिश करेंगे कि अंजाम तक पहुंचाएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, लेकिन जल्दी से भाग के अपने लिए नोटबुक्स और पेन लेके आइए एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द थिंग्स। सो हियर वी गो। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पिक कर रहे हैं, दैट टॉपिक वी आर टेकिंग इज कोडिंग डिकोडिंग। तो बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे एंड इसको हम आगे लेके चलेंगे। हमारे पास सबसे पहले अल्फाबेट्स को लेके चलना है, तो एक बार अल्फाबेट्स देख लेते हैं, आपका बचपन रिवाइव करवाते हैं। ये ABCDE, UVW, XY and Z। ये इसलिए जरूरी है कि आपको इनके नंबरिंग्स पता चल जाए, क्योंकि ये नंबरिंग्स आपको सिर्फ इस टॉपिक में नहीं और बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होंगे। तो नंबरिंग इसकी हम लोग देखते हैं, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। मैंने इसकी 5 5 की ग्रुपिंग्स की हुई है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। और इसी को अगर हम लोग उल्टा स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यही चीज जो है वो इस तरह से आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। तो हम लोगों ने इसकी लेफ्ट टू राइट काउंटिंग स्टार्ट लिखी और राइट टू लेफ्ट भी लिखी, यानी बिगनिंग से एंड भी लिखा और एंड से बिगनिंग भी लिखा। हम लोगों को जो इसको एक्चुअल में कई बार हमें इसकी पोजीशंस याद रखनी पड़ती हैं, कई बार कोडिंग इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, तो इसीलिए मैंने आपको ये लिखाया। तो उसके लिए हम लोगों ने ना एक वर्ड पिक किया, दैट वर्ड इज एक्चुअली दिस इज द वर्ड। मैं 5th, 10th, 15th, 20th और 25th लेटर ले रहा हूँ और इन सब लेटर्स को जोड़ के मेरे पास एक वर्ड बन रहा है, दैट इज एजोटी। सो एजोटी इज दैट वर्ड जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं और ये हमें हेल्प करता है कई बार क्या बहुत बार हेल्प करता है टू फाइंड आउट ए पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ अल्फाबेट। तो एक पोजीशन दिखती है। दूसरा इसमें एक और मजेदार चीज क्या है कि आप किसी भी अल्फाबेट को लें तो उसकी दोनों पोजीशन को जब ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस गिव्स यू 27, दिस एंड दिस गिव्स यू 27, दिस एंड दिस 27, यानी कोई भी आप अल्फाबेट ले लीजिए, उनकी दो पोजीशंस को जब ऐड करेंगे तो उसको 27 आपको हमेशा मिलेगा। कोई भी आप दो पोजीशंस ले लीजिए किसी भी अल्फाबेट के लिए, तो इट विल गिव यू 27। दिस इज रूल नंबर 2। आप समझ लीजिए इसको, आप रूल एज ए रूल याद रख सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे इट विल गिव यू 27 एज द टोटल ऑफ 2 पोजीशंस। यानी आपको अगर एक पोजीशन पता है तो आप दूसरी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 27। तो आप उसको 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको उसको दूसरी पोजीशन मिल जाएगी। तो हम लोग इसमें किसी भी लेटर को देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेटर है M, तो M को अगर मैं यहां से देखता हूं, कुछ चीजें मैंने याद रखी हुई हैं। एजोटी इज वन वे, क्योंकि एजोटी 5th, 10th, 15th और 25th लेटर को हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे M है, M 13 पे है तो N 14 पे है, यानी ये हाफ हाफ में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा आप और इजीनेस के लिए अपने नाम के इनिशियल्स को याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुप्रीत है तो मैं S19 याद रखता हूँ हमेशा कि भाई मेरे नाम का लेटर का पोजीशन 19 है, तो दैट गिव्स मी यू कैन से सम आइडिया कि भाई उसके आसपास के अल्फाबेट्स की पोजीशंस क्या होगी। सो यू कैन आल्सो डू विद द सेम थिंग, ठीक है। तो ये छोटी सी कंसेप्ट है जिसको हम लोग लेके चलते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो इसी से ही हम लोग बात करेंगे। नाउ फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन में क्या है, आपको एक वर्ड दिया गया होगा, उस वर्ड को आपको कोड किया गया होगा, किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न पे कोड किया गया होगा। हमने उस पैटर्न को पहचानना है और उसी पैटर्न के बेसिस पे एक और वर्ड दिया गया होगा, वर्ड 2, जिसको हम कोड करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम डिकोड करेंगे फर्स्ट वर्ड को और सेकंड वर्ड को उसी सेम पैटर्न के ऊपर कोड करेंगे। तो बस यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसी टाइप का ही क्वेश्चन है जो टाइप 1 में हमसे पूछा जाता है। तो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। अब जब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूंगा तो आई विल बी गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिसको मैं डिफरेंट तरीकों से लेके चलूंगा। यू जस्ट हैव टू वॉच दिस थिंग वेरी केयरफुली और आप इसके पैटर्न्स को जैसे जैसे पहचानते जाएंगे आप उसको सीखते जाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बेसिस के ऊपर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट। तो लेट अस डू वन थिंग, आप 1 मिनट लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल गो ऑन विद सम एग्जांपल्स ऑन इट। नाउ लेट अस स्टार्ट अप विद सम एग्जांपल। हम लोग एक एक एग्जाम्पल को लेंगे और मैं इस एग्जाम्पल्स के लिए मैं 2 वर्ड्स लेके चल रहा हूँ। एक ले रहा हूँ और उसी के साथ में टाइप 1 में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस वर्ड को, फर्स्ट वर्ड इज दिस इज फर्स्ट वर्ड एंड ये हमारा सेकंड वर्ड है। हम इसको कोड करेंगे, उसके कोड के पैटर्न को पहचान के हम नेक्स्ट वर्ड को डिकोड करेंगे। तो हमारे पास पहला जो वर्ड है प्रॉब्लम्स, तो हम इसको लेके चलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा, बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि कोडिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर एक लेटर में एक 1 ऐड कर दिया, P+1 Q, R+1 S, O+1 P, B+1 C, L+1 M, E+1 F, M+1 N and S+1 T। तो हर एक लेटर में हम लोगों ने एक एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन में भी ऐसा ही होगा, हम इसमें भी +1 ऐड करेंगे तो S+1 is T, O+1 is P, L+1 is M, U+1 is V, T+1 is U, I+1 is J, O+1 is P again and N+1 is O. So this will be the coding for the word solution. तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है। जस्ट स्कैन इट वंस, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। अब ये पैटर्न्स अलग अलग से हो सकते हैं, जैसे हम लोग एक और देखते हैं वर्ड में, वही लूंगा प्रॉब्लम्स और इसी को ही हम देख के आगे बात करेंगे solution की। Now it could be तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अगेन यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज की हम लोग क्या कर रहे हैं। नो इन ईच ऑफ दिस केस हम लोगों ने हर एक लेटर में प्लस टू किया, 2 ऐड किया हर एक में। एंड सेम इज द केस जब हमें सॉल्यूशन का कोड करना होगा तो हम उसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा U। अब इसको आप करेंगे कैसे, यू विल बी काउंटिंग इट ऑन द फिंगर सिंपली। आपको ये पता लग गया कि ये 2 ऐड हो रहा है तो आप सिंपली इसको ऐड करेंगे O, P, Q, L, M, N, U, V, W, T, U, V, I, J, K, O, P, Q, N, O, P and this will give you the What coding for this। इसी तरह से जैसे अभी यहां पे हम लोगों ने देखा तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। फिर से हम सेम वर्ड को लेके चल रहे हैं और आप यहां पे देखें हम इसको अगेन कोड करने वाले हैं। Now again you have to recognize आपके पास problems हैं और आपको solution को code करना है, ठीक है। तो आप देखें बस इसको check करना है कि इसके साथ इसका relation क्या है। तो P minus one O and R+1 S, O-1 B+1, -1 +1, -1 and +1। तो alternately ये बात चलती जा रही है, यहाँ पे एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो S-1 is R, OP, KL, UV, ST, IJ, ठीक है। अब हम इसको साथ साथ ही देखते जा रहे हैं, O, IJ है तो NO एंड यहाँ भी NO आ जाएगा। तो हमारे पास इसका कोड इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंट पैटर्न्स हम लोगों ने देखे, कभी हमारे पास 1 ऐड हो सकता है, 1 सबट्रैक्ट हो सकता है, ऑल्टरनेटली हो सकता है, ठीक है। बट ऑफ कोर्स एग्जामिनर है तो उसके दिमाग में कुछ भी चल सकता है। तो हम लोग एक और देखते हैं, नो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, जस्ट इफ यू सी दिस थिंग केयरफुली, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे P, अब अगर इसमें देखें तो QRS है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल उसमें चलें QRS यानी 3 ऐड हो रहा है, R और हमारे पास एक माइनस हो रहा है, O और C में बहुत बड़ा गैप है, B और P में बहुत बड़ा गैप है। तो हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसने अलग काम करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं इसने क्या काम किया है, इसने इसको ऐसे किया P+1 Q, R+1S, O+1P, B+1C, L+1M, E+1F, M+1N, S+1T। ठीक है, तो इसने इसको क्रॉस में लेना शुरू कर दिया। सेम इज द केस यहां पर भी ऐसे ही करेगा। हम इसको देखेंगे तो O+1P, S+1T, U+1V, L+1M, I+1J, T+1U, N+1O, O+1P। तो इसी तरह से दिस विल गिव अस द आंसर। तो ये हमारा इस तरह से आंसर बन जाएगा टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर पैटर्न, राइट। तो ये हमारे पास एक और पैटर्न है एज फार एज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंसर्न। लेकिन हम लोग इसका लिए एक और चीज देख सकते हैं। ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वो आपके कंप्रीहेंडिंग स्किल्स को चेक कर रहे हैं कि आप ये चीजों को किस तरह से विजुलाइज करते हैं। तो हम लोग एक और प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं और फिर उसका सोल्यूशन भी देखेंगे क्या है। तो इस केस में हमें ये बोल रहा है इस तरह से, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली साथ साथ ही एक क्वेश्चंस बना रहा हूं तो इसलिए बीच में रहता है। नाउ हम लोगों के पास एक नया पैटर्न उसने हम लोगों को दिया एंड हमें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन का कोड क्या होगा इस केस में। ठीक है, तो किसी भी तरह से ये हम लोगों को ये दे सकता है। जैसे अब यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे PROBLEMS, ठीक है। तो हमें POD में गैप है, R और Q का तो समझ आता है कि भाई -1 कर सकता है, OT में फिर बहुत बड़ा गैप आ गया और B और R में तो बहुत ही बड़ा गैप आ गया। तो यहाँ पे अगेन जब ये ऐसी सिचुएशन आपको आ रही हो तो समझो कि कुछ ना कुछ, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्रॉस में देखें तो हमें बात मिल जाती है। अब यहाँ पे देखें इसने क्या किया, इसने इन चार लेटर्स को अलग कर लिया, इन चार लेटर्स को अलग कर लिया। इसका कोड हम लोगों के पास कैसे लिया, BCD यानी +2, O+2, R+2 एंड P+2। तो यहाँ पे इसने क्या किया, मैं दोबारा से बताता हूँ। हम लोगों के पास क्या किया गया, B+2D, O+1 2Q, R+2T एंड P+2R। सेम इज द केस STU MNOEFG, ठीक है, EFG एंड LMN। तो इसने चार चार लेटर्स को लिया और फिर उसको उल्टा किया एंड देन कोड किया। यहां पर भी ये ऐसे ही करेगा, U VW LMN। देखिए दोबारा से हमने इसको पहले आधे पार्ट में डिवाइड किया, U यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको उल्टा किया हुआ था उसने। तो U VW LMN OPQ STU। सिमिलरली TION में भी हम उल्टा करेंगे, NOP OPQ IJK एंड TUV। तो इस तरह से इसका पास एक और पैटर्न हमने चेक किया एंड हमें कोड इस तरह से दिया गया, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने लेट वर्ड को दो हिस्सों में बांटा और फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी कोडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगेन कई बार ये ऐसे भी तो दे सकता है, ये मैं यही वर्ड इसलिए ले रहा हूं ताकि हम लोगों को ये करने देखने की जरूरत ना पड़े कि हमारे पास तो एक पैटर्न और है। इफ वी सी देयर इज वन मोर पैटर्न, दैट इज कि हम लोग इसको देखते हैं क्या है। तो ऑफ कोर्स यहां पे आपके पास आएगा D, Now if you see, तो हम लोगों ने अगेन एक नया कोड यहाँ पे जनरेट किया इसी वर्ड को लेके। मतलब हम लोग एक ही वर्ड से हम कितनी डिफरेंट तरह की कोडिंग्स कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग एट। तो आप यहाँ पे देखें फिर से नया पैटर्न हम लोगों को मिल रहा है। हम पैटर्न क्या मिल रहा है दोबारा से देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे वर्ड को सबसे पहले रिवर्स किया। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, रिवर्स किया गया। रिवर्स करने पे हम लोगों के पास जब रिवर्स किया गया तो अब क्या हुआ, एस इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, तो ये वर्ड कैसे स्टार्ट होगा, एस एम ई एल बी ओ आर पी। मतलब हम इस वर्ड को उल्टा लिख सकते हैं, एस एम ई एल बी ओ आर पी। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए हम लोगों ने किया। एंड अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि क्या हुआ, हर एक में -1 हो रहा है, एंड देन वी आर कमिंग टू आवर कोडिंग। ठीक है, तो आपका पैटर्न किसी भी तरह से हो सकता है। तो देखिए हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज फॉलो हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर भी हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे सोल्यूशन को, एंड देन हमारे पास इसी वर्ड के लिए हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोडिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब मेरे को समझ आ गया ना कि क्या हो रहा है, तो मैं इसको ना उल्टा नहीं लिखूंगा, मैं यहीं पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हो क्या रहा है, बस इसको उल्टा किया गया और एक एक लेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं यहीं से ही बात करूंगा। एन तो हमारे पास एम आ जाएगा, 1 लेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एम आ जाएगा, देन ओ एन आ जाएगा, आई H आ जाएगा, S then T then J सॉरी K and then N and then R। तो ये हमारे पास इसके लिए कोडिंग हो जाएगी। तो डिफरेंट वर्ड्स हम लोगों के पास दिए गए, डिफरेंट पैटर्न्स हम लोगों ने देखे, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। कई बार यही कोडिंग जो है वो बड़ी सिंपल सी दी जाती है। तो जैसे अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स लिखा गया है, ये बिल्कुल भी छेड़ता नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ वर्ड लेटर्स को ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। मतलब समटाइम यू ट्राई टू लिख इट लाइक दिस, बी ओ आर पी एस एम ई एल, तो ये तो आपको वैसे दिख गया कि क्या किया हम लोगों ने। ठीक है, इसने फर्स्ट 4 लेटर्स को उल्टा कर दिया एंड देन नेक्स्ट 4 लेटर्स को उल्टा कर दिया, कुछ नहीं और खास किया। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ये चीजें आपको विजुलाइज होना शुरू हो जाएंगी, आप इसको और बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यू एल ओ एस एंड एन ओ आई टी। तो इस तरह से वी आर हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स कि जिसके ऊपर हम लोग फर्दर बात कर सकते हैं। एक बार आप इन पैटर्न्स को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि कुछ और पैटर्न्स हमारे पास आते हैं एंड वी विल मूव अहेड। तो चलिए जी, ये आप लोगों ने डिफरेंट पैटर्न्स देख लिए, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड अनदर वन इज तो जैसे हम लोगों ने भी पीछे किया, कई बार ये सिंपली क्या करते हैं, सिंपल इस लेटर वर्ड को ही उल्टा कर देते हैं। तो दे जस्ट सम टाइम राइट इट लाइक दिस ओनली, एस एम ई एल बी ओ आर पी। तो खैर ये देखना बड़ा इजी हो जाता है, तो इसमें हमें कुछ खास नहीं करना होता। जो मेन चीजें थी वो अभी हम लोगों ने देखी। ये इसको डिफरेंट टाइप से आपको रिवर्स में लिख सकते हैं, या कई बार इसी चीज को जैसे हम लोगों ने अब इसमें क्या कई बार इसको ऐसे लिखा है, ये and then we are having अब देखें यहां पे एक छोटी सी चीज है, इसको आपने देखना है। इसने क्या किया बेसिकली, इसने ना इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, लेकिन ये कौन थे, ये कॉन्सोनेंट्स थे, लेकिन जो वॉवल आया उसमें 1 ऐड कर दिया, फिर बी और सी वॉवल आया तो उसमें 1 ऐड कर दिया, एंड देन तो जहां जहां पे वॉवल आए उसने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस पे डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं जब हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज पक्का है कि भाई जहां जहां पे हमारे पास वॉवल्स थे उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो ओ प्लस 1 पी हो जाएगा, U प्लस 1 V हो जाएगा, I प्लस 1 J हो जाएगा, एंड O प्लस 1 P हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाकी चीजों को उसने चेंज नहीं किया था, सिर्फ इंटरचेंज किया था, वो भी साथ साथ वाले लेटर्स के साथ आपस में वो इंटरचेंज हुए थे। लेकिन यहाँ पे इस कंसोनेंट के आगे वॉवल है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, इस कंसोनेंट के आगे वॉवल है, इस कंसोनेंट के आगे भी वॉवल है, और ये कंसोनेंट, तो मतलब सारे कंसोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हैं, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करेगा, अब वो डिपेंड करेगा हमारी ऑप्शंस किस तरह से है, लेकिन ऑप्शन के लिए ये 4 लोग ही हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट विल एक्चुअली डिसाइड द आंसर, क्योंकि इन्हीं में ही हम लोग चेक कर पाएंगे, इसी की ही चेंज हो रही है, एस एल आई टी और एन की चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसको डायरेक्टली एस एल टी और एन ही सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। बाकी डिपेंड करेगा कि हमारी आंसर ऑप्शन किस तरह से है, लेकिन हर एक आंसर ऑप्शन में ये 4 लोग जो हैं, ये 4 लोग जिसको हम लोगों ने वॉवल्स को प्लस किया, उन 4 लोगों को हमें खास ध्यान देना, उसी के ऊपर ही हम लोग फर्दर बात कर सकते हैं। देन कई बार यही कोडिंग जो है वो हम लोगों को इस तरह से मिलती है, तो ऐसे लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल 16, 18, 15, 2, then 12, 5, 13 and 19। तो ये हम लोगों को समझ आ गया कि क्या लिखा गया है, ये इनकी पोजीशंस लिखी गई हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो हम लोगों को वो पोजीशंस पता होनी चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है तो मुझे एस की लेटर्स तो पता है, 19 एजोटी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था, ओ 15 पे है, एम 13 पे है, तो एम से पहले एल होता है तो 12। ठीक है, और उसी तरह से एजोटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो टी 20, तो ये 21, तो आपके पास ये जो कोडिंग है ये आएगी 19, देन 15, देन 12, देन 21, देन 20, I is 9, O is 15 and N is 14। तो यहाँ पे हमारी जो बात हुई ये हम लोगों ने डिफरेंट लेटर्स की पोजीशंस के ऊपर बात किया, बट कई बार सेम पोजीशंस को वो अलग तरह से भी लेता है। कैसे लेता है? लेटर सी डेट, ये प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे हमारे पास ये इसको शायद लिख दे 7, इसको लिख दे 9, इसको लिख दे 6, इसको लिख दे 2, 3, 5, 4 and 1। ठीक है, कैसे जितने भी हमारे पास ये लेटर्स थे, जितने भी हमने उनकी कोडिंग को 1 डिजिट में कर दिया, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 1 + 5 6, 1 + 2 3, 1 + 3 4 एंड 1 + 9 होता है 10, बट 10 को हम लोगों ने दोबारा से 1 + 0 ले लिया, दैट बिकम्स 1 हियर। ठीक है, इसका कोड होता है 19, 19 के डिजिट्स को ऐड करोगे तो बनेगा 9 + 1 10, और 10 के फिर फर्दर डिजिट्स को आप ऐड करोगे तो बनेगा 0 + 1, तो हमारे पास 1 आएगा। और सिमिलरली जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1, जैसे अभी बात हुई, O हमारे पास होता है 15 तो 6, L 3, U is 21 तो 3, T is 20 तो 2, I is हमारे पास 9, O is 6 and N is 14, तो ये बनेगा 5। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी कोडिंग मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट लेटर्स में को अलग अलग तरह से कोड कर सकते हैं। एंड कई बार ये हम लोगों के पास क्या करता है, कई बार ये हम लोगों के पास इस तरह से भी बहुत बताता है कि एक छोटा सा हम लोग वर्ड ले लेते हैं रैट, कैट और ये हमें बोलता है बैट। तो रैट इज कोडेड एज थर्टी नाइन, कैट इज कोडेड एज 24। हाउ इज बैट इज कोडेड? तो कई बार हम लोगों को इस तरह से भी बोलते हैं। तो सेम वही चीज है जो हमने पीछे अभी पढ़ी, देखी, कुछ नहीं किया। ये रैट की पोजीशन होती है 18 सॉरी, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया, 18 प्लस 1 प्लस टी की पोजीशन है 20। तो इन तीनों पोजीशंस को ऐड करके ही हैज गॉट 39। देखते हैं कि क्या सेम पैटर्न नेक्स्ट पे फॉलो हो रहा है। तो सी इज 3, ए इज 1, टी इज 20, यस इट इज 24, नाइस। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, 2 प्लस 1 प्लस 20, सो दिस विल गिव अस 23। तो कई बार वो इस तरह से भी कोडिंग देता है। तो आपके पास जो आपने सीखा, या तो वो लेटर्स को आगे पीछे करेगा, उसमें ऐड या सबट्रैक्ट करेगा, या इन लेटर्स की पोजीशंस को लेके बात करेगा। तो आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं। तो आप इसको आज देखिए एंड इन सभी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे चलेंगे एंड हम लोग कुछ और नई बातें करेंगे। तो आई होप ऑल दीज थिंग्स वुड बी क्लियर टू यू। तो आप बने रहिए, आज की सीरीज को आगे लगातार चलाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टेक केयर। जय हिंद।